सब बकवास है। कोरोना इज अ कॉन्स्पिरेसी। तुम लोग बस फेसबुक पे फोटो लगाओ और बोलो आई एम सेविंग द वर्ल्ड बाय सिटिंग एंड शूटिंग एट होम। तुम्हारी फटती है इसीलिए सब फाड़ते हैं। भेड़ बकरी की तरह बस फॉलो करते रहो जो भी बोला जाता है उच्चे से वायरस के लिए। अच्छा ठीक है, तुझे लगता है कि मैं वैसे ही कुछ भी बकवास कर रहा हूं तो चल आ जा डिबेट करता है। पॉइंट दे। अरे डिबेट। हेलो हेलो। अरे भेड़ बकरी की तरह बस चलते रहेंगे। आई एम नरेन, अमित नरेन। ओह जैसे बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। मैं भी करता हूँ। आई एम वर्मा, राहुल वर्मा। बॉन्ड कहाँ सर? आई एम जस्ट अ सेल्समैन। अलाउ कर दिया पट्टू सोसाइटी में सेल्समैन को अंदर? हाँ सर, टेम्परेचर चेक किया और मास्क के साथ अलाउ कर दिया इस शर्ट पे। कि सिर्फ एक टिफिन लेकर जाना है, बाकी सारे नीचे रखने हैं। सबके ऑर्डर्स लेकर फिर जाकर टिफिन देने हैं। अच्छा तो तू टिफिन बेचता है? सिर्फ टिफिन नहीं सर, ये अल्ट्रा प्रीमियम स्पेशल न्यू टिफिन है। इसको आप मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सकते हैं। ये एयर टाइट है, माइक्रोवेव सेफ और स्पिल प्रूफ भी है। ये गर्म खाने को गर्म रखेगा और ठंडे पानी को ठंडा। ये सब कुछ आपको सिर्फ 375 रुपये में मिलेगा। अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे ना तो यही टिफिन आपको 5,000 रुपये का मिलेगा। लेकिन आज हमारी कंपनी इसको स्पेशल डिस्काउंट पर आप जैसे लोगों के लिए सिर्फ 375 रुपये में बेच रही है। मेरे जैसे लोगों के लिए मतलब? अब हाँ मैं कंगला देखता हूँ तुझे। सॉरी सर, आई डिडंट मीन दैट, आई मीन्ट आप जैसे गुड लुकिंग हैंडसम स्मार्ट लोगों के लिए। बहुत बोलता है यार, मेरा बहुत मन है बात करने। आ जा नरेन, अंदर आ जा। सॉरी सर, अब सिक्योरिटी गार्ड्स ने बोला है कि अंदर बिल्कुल नहीं जाना है। तब तो ना हो पाएगा भाई। नो प्रॉब्लम सर, हैव अ नाइस डे। ओ भाई कितने टिफिन बेचने तुझे? 500 सर। सारे खरीद लूंगा अगर तू अंदर आएगा, मुझसे एक डिबेट जीत लेगा। राहुल सर, एक्चुअली बड़ी जोर की लगी थी। ऐसे सर सारे प्रिकॉशंस लिए मैंने। हाँ सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए मैंने। भाई मेरा मानना है कि ये जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है ना, ये लॉकडाउन है, ये सब कोरोना के नाम पे कॉन्स्पिरेसी बाय द रिच एंड द पावरफुल हु वांट टू रूल द वर्ल्ड। और वो रूल इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि सबकी फटती है। मेरी नहीं, तू मुझे गलत साबित कर दे, मेरी फाड़ दे, मैं तेरे 500 टिकट्स खरीद लूंगा। माँ की कसम। पर फटती तो सबकी है सर। नहीं नहीं पर अब इतना सेफ्टी लेके घर में रहेंगे तो कैसे फटेगी? मास्क उतार। सॉरी सर। राहुल सर ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। चलो मेरे मुंह पे फूंक मार। अगर तुझे सिर्फ बगा करना है या टेबल भी बेचना है, चलो फूंक मार। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी। चल जो भी है, ये तो साबित हो गया ना कि मेरी नहीं पड़ती। WHO ने बोला है पेंडेमिक है तो ठीक ही होगा ना? WHO सबसे बड़ा फ्रॉड है। कभी बोलता है नॉर्मल है, कभी बोलता है पेंडेमिक, कभी बोलता है हवा से नहीं फैलता, कभी बोलता है हवा से फैलता है। अब अगर हवा से फैलता है तो सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ही क्या है? मेरे पड़ोसी की हवा से मुझे कोरोना हो सकता है? ये सब छोड़िए आप,
आप मुझे ये बताइए कि इंडिया में लगभग 80 लाख लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मान ले 50 करोड़ लोगों को वायरल फीवर हो जाए तो उसके बारे में क्या करूंगा मैं? देश बंद कर दूंगा? अबे बहुत लोगों को बहुत बीमारियां होती है, ठीक हो जाता है, बिग डील। और जो 125 लाख लोग मर गए हैं इस भयंकर बीमारी से, उनका क्या? लाखों लोग हार्ट डिजीज, वायरल फीवर, मलेरिया, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, डायरिया, पता नहीं किस किस बीमारी से मरते हैं। पता है सिर्फ रोड एक्सीडेंट से 1.5 लाख लोग मरते हैं एक साल में इंडिया में। तो क्या करें? रोड पे लॉकडाउन लगा दें और जब तक कर्व नीचे नहीं आएगा तब तक लॉकडाउन ही रहेगा, जब तक एक भी नहीं मरे। क्या नॉनसेंस है ये सब? अरे 135 करोड़ वाले देश में एक मामूली नंबर है। आपके लिए एक मामूली नंबर हो सकता है, पर जिनकी फैमिली में डेथ हुई है उनके बारे में सोचिए ज़रा। आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए आपकी ज़िंदगी एक नंबर नहीं है सर। भाई मुझे कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ वो लोग मरते हैं जिनको पहले से बहुत सारी बीमारियाँ होती है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता सर। मेरे एक जिगरी दोस्त था कृष्णा, बिल्कुल आपकी तरह फिट, जल जाने वाला, 10 दिन में गुजर गया बेचारा। वो कोई रेयर केस होगा भाई। हाँ तो आप भी तो आ सकते हैं रेयर केस में। देख बोलते हैं 2% मोर्टेलिटी रेट है, और फिर बोलते हैं कि लाखों लोगों को एसिम्प्टोमेटिक कोरोना हो गया, पता भी नहीं चला और ठीक भी हो गया। अगर उन सबको जोड़ दिया जाए तो 0.1% से भी कम है मोर्टेलिटी रेट। मैं उस 0.1% में नहीं आ रहा। मुझे अच्छे से याद है सर, कृष्णा भी ऐसे ही बोलता था, बिल्कुल आपकी तरह लंबा चौड़ा, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, ऐसे ही डिबेट करता था, बिल्कुल आपकी तरह। डिबेट की तो माई मर गई आज। तुम्हें पढ़ने की कोशिश कर रहा है ना, लेकिन मेरी पढ़ने की सर एक बात तो मैंने आपको बताई नहीं। कौन सी बात? एक्चुअली मैंने ना परसों टेस्ट कराया था। किस चीज का टेस्ट कराया था? आज ही रिपोर्ट आने वाला है। आ गया सर। फोन उठा, स्पीकर बटा। हेलो, ओ नरेन भाई, तेरे को बीएमसी वाले ढूंढ रहे हैं उठा के ले जाने के वास्ते। कोरोना हो गया है तेरे को, तू तो मरेगा इस साले, बाकी भी मरेंगे। तू टिफिन नहीं माउथ बेच रहे है। मास्क पहन, पहन उसको तुरंत। राहुल सर क्या कर रहे हैं आप? अबे गर्म पानी कर रहा हूं, बाप से मार डाले हो कोरोना की मांग हो। और वो बाबा ने क्या बोला था? गिलोई गिलोई होता है। हाँ गिलोई खा करके मार डालूंगा कोरोना को। ये बहुत फट रही है यार, तुझे कृष्णा से कौन है? जब तू उसके साथ था तो तुझे हो सकता था ना, तुझे पता था कि वो खासा मेरे मुंह पे यार। सॉरी सर, बहुत फट रही है यार। सर मैं ले आता हूँ ना टिफिन नीचे से। देख भाई माँ की कसम खाई थी इसीलिए पैसे दे रहा हूँ सारे, तेरे इन्फेक्टेड टिफिन नहीं चाहिए मुझे, मौत बेच रहा है तू। वो बैग है उसमें सारे पैसे, वो ले जा, और वो टिफिन जो है वो भी ले जा। जैसे ही आपकी मर्जी सर, जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे सर। थैंक यू। मैं जिंदा रहूंगा भाई, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं फोन ऑन रख रहा हूँ, तू चुपचाप सुनता रह सब। हाँ और अगर तुझे कहीं लगे तो हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ करते हैं।